सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस यार, आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाला है। अगर आप एक पबजी लवर हो ना, तो यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करना। गाइस यार, आज की इस वीडियो में लाइक एम रखते हैं सिर्फ 20, ठीक है। तो 20 का लाइक एम है यार, फटाफट से 20 लाइक पहुँचा देना। अब गाइस यहाँ पर एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ, एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर न्यूज़ निकल के आ रही है, जो सबसे बड़ी न्यूज़ कंपनी जहाँ आज तक ने यहाँ पर एक ट्वीट करा है, उस ट्वीट को मैं आप सभी को दिखाऊंगा। और उसे यार आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि यार ये मंथ या फिर अगले मंथ के अंदर पबजी मोबाइल हमारे बीच में आ सकता है, क्योंकि यार बहुत ही बड़ी कंपनी है आज तक, राइट। तो यार उस चीज़ को आप पहले यहाँ पे देख लो। तो यार उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और चलो मोबाइल स्क्रीन पर। वेल गाइस, यहाँ पर देख सकते हो आज तक ने, आज यानी कि 6 तारीख को, और ये वीडियो अपलोड होगी 7 तारीख को, ठीक है। यहाँ पे एक जो है ट्वीट करा है, यहाँ पे देख सकते हो, क्या दिवाली पर भारतीय गेमर्स को मिलेगा सौगात, पबजी मोबाइल फिर से आने के तैयार। अब गाइस यहाँ पे मैंने आप सभी को एक अपडेट बता दिया था लास्ट टाइम, जो कि बाई 2nd of December जो भी टेंसेंट के पास है ना डाटा था, वो सारा डाटा जो है ट्रांसफ़र हो रहा था किसको, क्रैफ्टन को। और गाइस हम सभी को पता है जी कि क्रैफ्टन अभी पबजी के साथ है ना अभी कॉलैब करके वो इंडिया वर्जन यहाँ पे लॉन्च करने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो इस ट्वीट को अगर आप देखेंगे, अगर ट्विटर पर जाके इस ट्वीट को अगर आप देखते हो, 6 तारीख की ट्वीट है सुबह के टाइम पे, इस ट्वीट को अगर आप देखते हो तो बहुत सारे गेमर्स की यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, और बहुत ही ज़्यादा होप है इस ट्वीट को देखने के बाद इंडियन गेमर्स की, कि शायद ही यहाँ पे 15 तारीख तक हम लोगों को पबजी मोबाइल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मैं आप सभी को और एक चीज़ यहाँ पे आप सभी को रियलाइज़ करा दूँ, हम सभी को बताया कि नवंबर को दिवाली के आसपास फौजी मोबाइल भी वापस आने वाला है। अब गाइस यहाँ पे मुझे ये लग रहा है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा मानना है, आपका क्या मानना है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना। मेरा मानना ये है कि आप सभी को बताया कि एनकोर ने ट्वीट करके बताया था कि फौजी जो मोबाइल है, फौजी मोबाइल वापस आ रहा है नवंबर को, है ना, लॉन्च किया जा रहा है नवंबर को। अब गाइस आप सभी को पता है कि मार्केटिंग करने के लिए कंपटीशन तो रहती है। अब गाइस पबजी मोबाइल को ये चीज़ पता है कि फौजी इंडिया पे लॉन्च होने जा रहा है, ताकि जैसे ही फौजी लॉन्च हो उससे पहले इंडियन वर्जन पबजी मोबाइल लॉन्च किया जाए, क्योंकि पबजी को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर फौजी से ज़्यादा है ना पबजी को पसंद करने वाले हैं इंडिया पे, है ना। तो देखते हैं आने वाले दिनों पे यहाँ पे पॉपुलैरिटी कौन ज़्यादा हासिल करता है, पबजी या फौजी मोबाइल। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। मेरा ओपिनियन ये है कि मैं दोनों गेम खेलूँगा, क्योंकि इंडियन गेम और जो है फौजी वो हमारा हक है, हम लोग खेलेंगे उसको, उसके बाद दूसरा पबजी मोबाइल, क्योंकि पबजी मोबाइल हमारा पुराना गेम है, उसको भी हम लोग इन्जॉय करेंगे, और फौजी तो मैं खेलूँगा ही। आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में, क्या मानना है आपका, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तो यार ये न्यूज़ देखने के बाद, ये न्यूज़ सुनने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है एक बार ज़रूर से बताना, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन हाई होने वाली है, और यहाँ पे बहुत ही जल्द 1-1.5 महीने के अंदर, या फिर हो सकता है अब दिवाली के दिन ही पबजी वापस आपको प्ले स्टोर पर मिल जाए। दुआ करता हूँ कि हमारी खुशी वापस आ जाए, पबजी मोबाइल वापस आए, साथ ही साथ बहुत जल्द फौजी भी लॉन्च हो, ताकि हम दोनों गेम को इन्जॉय कर पाएँ, और दोनों गेम्स खेल के आप सभी को उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारे ग्लिचेस वगैरह आपको अपडेट करें। तो होप कि गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना यार, 20 लाइक है एम रखा हूँ, प्लीज़ यार करवा देना कम्प्लीट। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ गाइस, तब तक के लिए देखते रहें और खेलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय। What are you doing?